एमजे अकबर जो मोदी सरकार में मंत्री हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या कुछ मापदंड सिंटा के लोगों ने तय किए हैं कि कोई भी कलाकार इसके तहत जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा इंडस्ट्री से या किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, क्या वो कलाकार आने वाले दिनों में फिल्मों से जुड़ा रहेगा या अपने फिल्म जो उसके कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं फिल्म कॉन्ट्रैक्ट जो उसने साइन किए हुए हैं उस उन प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ होगा? जी भाई ये सब स्टेप्स अभी लेने शुरू किए हैं। कौन सी गलती या कौन सी हरकत किस सजा के लायक है ये भी तय करना होगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक बड़ा ब्रॉड टर्म है, उसके बाद सेक्सुअल मोलेस्टेशन आ जाता है, रेप है, ये अलग अलग लॉ में भी इन सब की अलग अलग सज़ा है। हमें बतौर इंडस्ट्री हम किसी को फाइनेंशियल पेनल्टी नहीं दे सकते, एज अ ट्रेड यूनियन वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। मैक्सिमम पनिशमेंट जो हम दे सकते हैं किसी को भी कि आपने हमारा सर नीचा किया है या बहुत गलत काम किया है, आप एसोसिएशन की मेंबरशिप से बर्खास्त किए जाते हैं, दैट्स द मैक्सिमम वी कैन डू एज अ यूनियन। एज इंडस्ट्री नाउ वी हैव टू सिट टुगेदर एंड थिंक, एज आई सेड कि हम जो कमेटी बनाना चाहते हैं अपनी वो इतनी पावरफुल हो कि जिस दिन सिंटा ने कहा यू आर एक्सपेल्ड फ्रॉम सिंटा, दैट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री, सो दैट डर ज्यादा हो। तो इसका मुद्दा क्या है यार, प्रिवेंशन। सर ये कलाकारों के ऊपर फिर कार्रवाई जैसा कुछ हुआ नहीं ना, फिर आपने तो सिंटा से उसको बर्खास्त कर दिया और वो कलाकार अगर अगले दिन फिल्म कर रहा है तो उसमें कार्रवाई जैसा क्या है? तो भाई आप उसके लिए मुझे दोषी ठहराएंगे या प्रोड्यूसर को? एम्प्लॉयर वो है या मैं हूँ? तो कहीं ना कहीं आपके प्रोड्यूसरों से कुछ बात हो रही है। बोला तो भाई आई थिंक दैट वाज कि मिल करके काम करना होगा इसमें। प्रोड्यूसर्स आर द एम्प्लॉयर्स, बदलाव वही ला सकते हैं, वी आर नॉट द एम्प्लॉयर्स। और देश के संविधान के हिसाब से हमें किसी को भी किसी से भी काम छीनने का हक नहीं है, वी कैन बी सूड फॉर दैट, यू अंडरस्टैंड, बट वी हैव टू बी पावरफुल एंड यूनाइटेड इनफ एज इंडस्ट्री that if somebody is wrong, proven wrong, repeat offender, then nobody should employ him. Because then you are sending a wrong signal that you can get away with it. We want aisa atmosphere banana chahte hain. Ye koshish hai bhai. Sir, like you just mentioned that what the maximum that CINTAA can do is probably not make them a member of your committee as well. While I know that this matter is sub judice right now, is Nana Patekar still part of CINTAA or have you expelled him yet? No. We see when the police investigation is going on, and initially also first we reached out to Ms. Datta, heard her side, opened the case file, studied everything, and we realized that sexual harassment complaint was not addressed at all. The least we could have done at that time was at least send a letter to Mr. Patekar and ask him, sir, what is your side? What do you have to say? Similar to the choreographer and the director and the producer, unke against bhi allegation tha. Unfortunately, koi bhi media un union se nahi pooch raha hai ki sir aapne kya kiya, producer association ne kya kiya producer ke against, ya usko letter bheja, kuch bhi kisi ne kuch nahi kiya. Humne dekha, humne kuch nahi kiya, humne bola sorry. Uske baad Tanushree ji ko bola aap dobara complaint file kijiye, humne bhi legal ko consult kiya कि भाई तीन साल से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एवरी ट्रेड यूनियन हैज टू फॉलो एवरी वर्ड ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर फ्री टू मेक आर कॉन्स्टिट्यूशन द वे वी वॉन्ट, लेकिन एक बार बन गया वी कैन नॉट ब्रेक इट। सो तीन साल से पुराना केस नहीं ले सकते, केस वॉज क्लोज्ड, वी ऑफर्ड हर टू फाइल अ फ्रेश कंप्लेंट। अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम वी सेंट अ लेटर टू मिस्टर पाटेकर ऑल्सो कि सर दिस इज वॉट इज गोइंग ऑन राइट नाउ एंड इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग टू योर यूनियन प्लीज लेट अस नो, वी आर मोर देन विलिंग। उनका जवाब भी आया 4-5 पन्ने का, लेकिन ये सब उनका जवाब तनुश्री की रिक्वेस्ट टू रीओपन द केस, एवरीथिंग केम आफ्टर द पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड। व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन वी कैन नॉट इंटरफेयर, वी कैन नॉट प्रोनाउंस नाना पाटेकर गिल्टी, और वी कैन नॉट से तनुश्रीज कंप्लेंट इज फॉल्स, वी कैन नॉट टेक एनी स्टैंड, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट एनीवन इन दिस। वी कैन नॉट एक्सपेल मिस्टर नाना पाटेकर व्हेन इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट ही सामने नहीं है, प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड, अदरवाइज मिस्टर पाटेकर कैन टर्न अराउंड एंड सू अस दैट हेलो इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, नोबडी इज प्रोनाउंस मी गिल्टी, हाउ कैन यू टेक एन एक्शन, सो आर यूनियन माइट बी यू नो डिसॉल्वड, कांट डू दैट।
In the beginning you said here the verdict on it. So many people, not just CINTAA, there are so many others who have validated and come out and spoken against him. In that case, there are times in India where the cases take years to be closed and verdict to come. How do you help actors, or even if you know that it's true and the verdict is coming after 20 years, how do you help actors in those times? Because since you're saying that you can't take action. No, I never said I can't take action or we can't take action. I never said that. You may be misheard or misunderstood. That is his reply. And I mean, it's very rare that, forget this complaint, any misbehavior complaint or any fight between two actors or producer, employee or an actor, it's never the case that somebody said, sir, isne mujhe mara tha, and we send a letter, aapne mara tha. Kya reply dega wo, sir, maine nahi mara tha. That's standard. It's a standard reply sent by Mr. Alok Nath's lawyer. Not even him personally. Okay. But he has responded to our show cause notice. Now we have to decide what action we have to take. Kyunki maine uske baad ye bhi kaha tha, my EC, I don't dictate my EC. Also in media, I announced today, let me reiterate that. Because I also already took a personal stance. I pronounced him guilty. In my eyes, he's guilty. So now, ethically, when we talk as an organization, ethically, morally, I don't have any right to sit in any jury which is going to take any action for or against Mr. Alok Nath. Because I have pronounced him guilty. So it would be immoral for me to sit in that jury. I will not. I will convey my stance to my committee. I also said a strong message needs to be sent that this behavior will not be tolerated. There is a pattern to what he has done. Now I'll allow, let my president and the EC members and our legal advisors to sit together and decide legal framework ke andar, apne constitution ke andar, what is the best we can do.